अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से है। पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, आप लोगों को पता है कि उनकी स्लिप्स आ चुकी हैं और वो टेस्ट की तैयारी अब कर रहे हैं। फिजिकल टेस्ट जो है आप लोगों का नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का इन्हीं लास्ट डेज में भी टेस्ट है और कुछ स्टूडेंट्स का नेक्स्ट मंथ में भी टेस्ट है। आप लोग हो सकता है आज से एक साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका जब भी टेस्ट होगा आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आज की ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एएसएफ टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और एएसएफ टेस्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं वो कहाँ से आते हैं और टेस्ट पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले इस टेस्ट की तैयारी के लिए आपने गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आके कूल एजुकेशन, अपने ब्राउजर में आप लिखेंगे कूल एजुकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कूल एजुकेशन, आपने सिंपली ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये पहला लिंक आएगा कूल एजुकेशन वाला, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होके आएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट प्रिपरेशन का एक टैब मिलेगा, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा फोर्सेज टेस्ट। अब आपका नेवी टेस्ट है, नेवी में अप्लाई किया वो टेस्ट है, एयरफोर्स में अप्लाई किया वो टेस्ट है, आर्मी में अप्लाई किया वो टेस्ट है, एमडीकैट की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसएन एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कोई भी टेस्ट की तैयारी यहाँ से आगे कर सकते हैं। अब आपका फोर्सेज में है टेस्ट, फोर्सेज टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही फोर्सेज टेस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज से रिलेटेड भी टेस्ट की तैयारी के लिए टैब मिल जाता है। आप यहाँ पे एएसएफ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एएसएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब ओपन होकर आ जाएगा। अब एएसएफ का जो टेस्ट होता है उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं और 50 के 50 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। इन एमसीक्यूज में आप लोगों से जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, एवरीडे साइंसेस के होते हैं, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज और इंग्लिश के होते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह शामिल नहीं होता। अब यहाँ पे आके आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। फर्ज करें जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद इंग्लिश के जो भी एमसीक्यूज हैं वो मेरे सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ये सारे सेक्शन बने हुए आ रहे हैं, आपने ये सारे सेक्शन करने हैं। जैसा कि फर्ज करें इनमें से मैं सेक्शन 3 पे क्लिक करता हूँ, आपने ये सारे सातों के सातों सेक्शन करने हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप यहाँ पे सिंपली नेम लिख देंगे तो वो भी काफी है और स्टार्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चन ओपन होके आया है, इसमें से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है आपने उसको चेक करना है। अगर आपने ठीक चेक किया तो वो भी बता देगा, गलत चेक किया तो वो भी बता देगा। यहाँ पे बता रहा है कि आपने गलत चेक किया है, इसमें बता रहा है कि ये लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, आपने ये गलत चूज किया। इसी तरह नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आने के बाद फिर इनमें से कोई एक चूज करना है, फिर कह रहा है कि रॉन्ग चूज किया है। इसी तरह ये सारे आप कर लेंगे, 16 के 16 जब आप कर लेंगे, 16 करने के बाद एंड में जब लास्ट में आप ये बटन आएगा सबमिट का, आपने इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये आपको आपका रिजल्ट दे देगा कि आपने टोटल 15 एमसीक्यूज की है, उनमें से करेक्ट आपके 0 हैं और योर स्कोर इज 0। आप जितने भी करेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ से आपको वो करेक्ट आंसर्स भी मिल रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखें ये विद करेक्ट है, यहाँ पे ऑफ करेक्ट है, यहाँ पे फार करेक्ट है, तो ये सारे करेक्ट आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप यहाँ से नीचे से कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट यहाँ पे अपना कमेंट टाइप करेंगे, यहाँ पे ईमेल अपना नेम और ईमेल लिख के ये पोस्ट कर देंगे कमेंट। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, जैसे मैंने ये किए हैं ये सारे सेक्शन आपने करने हैं 1 by 1, 7 के 7, ये सारे याद रहेगा इंग्लिश के हैं। इसी तरह आपने पाक स्टडीज पे क्लिक करना है, पाक स्टडीज पे क्लिक करेंगे तो पाक स्टडीज के ये दो सेक्शन लगे हुए हैं, दोनों आपने करने हैं। इसी तरह ये करंट अफेयर्स है, इस पे क्लिक करते हैं तो करंट अफेयर्स के सेक्शन ओपन हो गए हैं, ये दो सेक्शन है ये भी आपने करने हैं। तो सारे 1 by 1 ये सारे सेक्शन आपने करने हैं और यहाँ से आके आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। होप सो हम ये एक एक दो दो सेक्शन मजीद भी ऐड कर देंगे, जो प्रीवियस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आई होप आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद आप हमारी वेबसाइट पे आप लोग आके यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब मिल जाती हैं आपको, यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, पंजाब पुलिस वगैरह वगैरह जो भी नई जॉब्स आती हैं तो यहाँ पे बता दिया जाता है। आप यहाँ से जॉब्स की अपडेट्स भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिलती हैं कि कहाँ कहाँ पे एडमिशन ओपन है। तो ये आप हमारी वेबसाइट विजिट करते रहा करें, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई पोस्ट बनाए, जो भी नई अपडेट दें वेबसाइट पे तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, एड्रेस लिख के और सब्सक्राइब कर देना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी योर स्पेशल प्रेयर्स, अल्लाह हाफिज़।